वेदर का कंडीशन बहुत खराब है, आप एक बार देख लीजिए, कैमरा घुमा के दिखा रहा हूँ। बारिश चल रहा है और इसके बीच में मूड हुआ कि बिरयानी खाएंगे। वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जस्ट नेक्स्ट डे टू द दुर्गा पूजा, दशमी के बाद वाला दिन है। अब ये बिरयानी खाने के लिए काफी दूर आया हूँ और ये बिरयानी थोड़ा डिफरेंट है। ये है कच्ची बिरयानी। तो ये कच्ची बिरयानी है क्या चीज, मैं एक बार प्लेट में लेता हूँ, खाता हूँ, टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ। चलिए। तो फ्रेंड्स, कच्ची बिरयानी आ गया है। कच्ची बिरयानी का जो हांडी है, बस का हैप्पी बर्थडे अपना सामने ही हुआ है, तो खुशबू तो इसका बहुत बढ़िया आ रहा है। को मालूम है कि बिरयानी के लिए हम लोग जान तक दे सकते हैं, तो बिरयानी के लिए काफ़ी दूर आया हूँ। और ये क्या शॉप का नाम है या इन लोगों का कहाँ कहाँ ब्रांचेस, मैं सारा चीज़ बताऊँगा। सबसे पहले बिरयानी को टेस्ट करता हूँ। पहला बाइट बिरयानी जो मैं लिया हूँ, इसमें मुझे किशमिश मिला। एक पीस अंडा है, चिकन है, आलू है और सलाद है। तो कच्ची बिरयानी जो मैं इनसे बात करके जो चीज मेरे को समझ में आया है, कच्ची बिरयानी बांग्लादेश ओरिजिनेटेड है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर दम बिरयानी खाते हैं, तो दम बिरयानी का एक अलग टेस्ट है और कच्ची बिरयानी का एक अलग टेस्ट। कच्ची बिरयानी एक इतना रिच टाइप का बिरयानी नहीं है जो मुझे लगा। मैं एक ही बाइट लिया हूं, आगे और टेस्ट करता हूं और मैं आपको बताता हूं। पर इसमें काजू और किशमिश भी है। गुड वन, मजा आ गया। अब मैं चिकन को टेस्ट करता हूँ। चिकन बहुत सॉफ्ट है। अब मैं एक बार आलू के साथ ट्राई कर रहा हूँ। ये बिरयानी का जो टेस्ट है डिफरेंट। तो नॉर्मल जो बिरयानी हम लोग खाते हैं, एक तो होता है दम बिरयानी जो कि मोस्टली जगह में मिलता है कलकत्ता में, और दूसरा हैदराबादी बिरयानी भी मिल जाता है काफी जगह। पर ये जो कच्ची बिरयानी है, ये मैं शायद पहले बार खा रहा हूँ। और ये एक फ्रेंचाइजी है, बंगाली एक रेस्टोरेंट है, बंगालियाना इनका ग्रुप है, उसी का सिस्टर कंसर्न है। काफी जगह में इनका ब्रांचेस ऑलरेडी ओपन हो चुका है और बहुत सारा जगह प्रोसेस में भी है। तो ये बिरयानी खा के मुझे बहुत अच्छा लगा। चिकन का साथ भी मैं ट्राई कर लिया हूँ, अब मैं एक बार एग का साथ ट्राई करता हूँ। एग का साथ भी अच्छा लगा। बेसिकली जो राइस है, क्वालिटी बहुत अच्छा है। और इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा ड्राई टाइप का, मतलब इसमें एकदम ग्रीसी जो बिरयानी होता है वैसा नहीं है। अगर आप ग्रीसी और तर वाला बिरयानी आप ढूंढते हो, जो कि मेरा प्रीवियस वीडियो में मैं दिखाया हूँ, वो अलग है, ये अलग है, वो टेस्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। पर दिस इज अ वेरी नाइस बिरयानी, एकदम हल्का लाइट बिरयानी जिसको बोलते हैं, वो आप इसमें आप ट्राई कर सकते हो। चिकन के साथ, आलू के साथ बहुत मजा आ रहा है। मुझे बोला गया कि काजू किशमिश भी है, किशमिश तो मुझे मिला, काजू नहीं मिला, दैट इज माई बैड लक। पर काजू रहता है इसमें। अनियन का जो प्राइस है, कहीं पर अनियन नहीं रहता, यहाँ पर अनियन अभी भी मिला है।
तो फ्रेंड्स वीडियो को आज मैं यही एंड कर देता हूँ। अभी भी काफी बचा हुआ है बिरयानी, मैं आहिस्ता आहिस्ता खत्म करूंगा। 1880 का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि 18 साल से शुरुआत करके 80 साल तक का एज सीनियर सिटीजन भी इस बिरयानी को खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस वाकई में वैसा ही है क्योंकि बिरयानी एकदम लाइट है। बिरयानी का नाम सुनने साथ खाने का इच्छा भी होता है, डर भी लगता है कि भाई पचा पाएंगे, तो वो चीज यहाँ पर नहीं है। यू कैन ईजिली डाइजेस्ट दिस बिरयानी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और इनका ब्रांचेस काफी जगह खुल चुका है। मैं यहाँ पर जो आया हूँ बेलगोरिया स्टेशन उतरकर गोल बगान के लिए ऑटो पकड़ के आया हूँ। इनका और भी लोकेशन है, मैं कोशिश करूंगा अगर गूगल लोकेशन मिल जाता है, मैं 2-3 लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आया तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और एक चीज, सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वीडियो को फैलाइए सोशल मीडिया में, हर जगह में फैला दीजिए, ट्रैवल फोटोलॉजी का फैमिली को भी ग्रो करने दीजिए। तो मिलते हैं फाइनली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।